जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 7 मार्च 2021 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करंट अफेयर की। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वह कौन सा अवार्ड है, वह अवार्ड बताना है जिससे इनको सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वह कौन सा अवार्ड है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है, राइट आंसर आपका राइट आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर दो राइट आंसर है, ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप। आपका यहाँ पर ए जो है विकल्प नंबर बी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है, साथ ही महात्मा गांधी को पर्यावरण का सबसे महान चैंपियन बताया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए कि हाल ही में किसने मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम यानी कि MAI के तहत इंडिया टेलीकॉम 2021 का आयोजन किया है। तो किसने यह आयोजन किया है ये बताना है। तो ये जो आयोजन किया है वह क्या है, किसने दूर संचार उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। दूर संचार उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद ने हाल ही मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम के तहत इंडिया टेलीकॉम 2021 का आयोजन इसने किया है। इंडिया टेलीकॉम 2021 एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस एक्सपो है जिसमें 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, जिसमें 45 से अधिक देशों के 200 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कम लागत वाली ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन और विकास किया है। तो ये आपके लिए बताना है, तो किस देश के वैज्ञानिकों ने जो है इसका विकास किया है और डिजाइन किया है, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारतीय वैज्ञानिकों, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर थोड़ी सा देख लेते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन और विकास किया है जो कि दूर की आकाशीय वस्तुओं से मंद प्रकाश के स्रोत का पता लगाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में किस देश ने कोलंबो बंदरगाह की वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का कॉन्ट्रैक्ट भारत और जापान के साथ बनी कंपनी को दे दिया है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है किस देश ने दिया है ये आपके लिए बताना है, वह देश कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, श्रीलंका आपका राइट आंसर, बहुत बढ़िया, श्रीलंका यानी कि विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर है। श्रीलंका ने हाल ही में कोलंबो बंदरगाह की वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है भारत और जापान के साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसको ये जो है इसको क्या दिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस टर्मिनल के विकास के लिए श्रीलंका मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में ग्लोबल वायु इंडिया 2021 के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है। तो वह कौन सा संस्करण है जिसका इन्होंने उद्घाटन किया है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर दो यानी कि दूसरे संस्करण का इन्होंने उद्घाटन किया है, विकल्प नंबर दो आपके यहाँ पर सही आंसर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में ग्लोबल वायु इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। इस ग्लोबल वायु इंडिया 2021 का जो उद्देश्य है वह भारत को विश्व में एक उभरते हुए नवोन्मेष केंद्र और जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान करना है, ये जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन क्या है
भारत के किस राज्य ने हाल ही में देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये जो पॉलिसी जो लॉन्च की है, ये किस राज्य ने ये पॉलिसी लॉन्च की है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है कर्नाटक राइट आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर चार आपका सही आंसर है। देखिए, कर्नाटक राज्य ने हाल ही में देश से की पहली पहली है देश की पहली याद रखना है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी के तहत नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही सरकार विभिन्न परियोजनाओं हेतु कॉलेजों को धन मुहैया भी कराएगी सरकार। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, डीआरडीओ ने किस राज्य के दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का सफल उड़ान परीक्षण यहां पर क्या है, तो कहां पर क्या है ये बताना है। महाराष्ट्र में, पंजाब में, उड़ीसा में, केरल में, ये चार विकल्प है। उड़ीसा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर तीन यहाँ पर सही आंसर है। उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में उड़ीसा राज्य से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस परीक्षण के दौरान ठोस ईंधन आधारित डक्टेड रैमजेट प्रौद्योगिकी सहित अनेक नई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण साबित यहां पर हुआ है। कहां पर हुआ है ये आपके लिए याद रखना है, उड़ीसा में। उड़ीसा की जो राजधानी है वह है भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये आपका जो है पिछले वीडियो का चैलेंज प्रश्न है, चैलेंज प्रश्न है जो इसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना था, तो बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर बताया था। जो है गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीन क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, और जो है किस नदी पर ये बांध बनाए गए हैं, निर्मित किए गए हैं, तो आपका सही आंसर यहाँ पर राइट आंसर जो है वह विकल्प नंबर सी, यानी कि चंबल। चंबल आपका राइट आंसर, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर। यहाँ पर देख लेते हैं, चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। तो सबसे पहले आपके लिए याद रखना है कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। और यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। कहाँ से इसका उद्गम कहाँ से होता है, जानापाव पर्वत महू से इसका उद्गम होता है। इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है चंबल नदी का, कई बार पूछा जा चुका है, तो चरमावती, इसका चरमावती जो है नाम है इसका प्राचीन नाम। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियों में बात करें छिप्रा है, सिंध है, और काली सिंध है, और कुनू नदी इसकी जो है क्या है सहायक नदी है। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर बहती है चंबल नदी। यह नदी दक्षिण मुड़कर उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना में शामिल होने के पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो ये नदी आपके लिए याद रखना है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो सीमा बनाती है वह चंबल नदी है। इस नदी पर चार जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, और जवाहर सागर, और कोटा बैराज कोटा में चल रही हैं। प्रसिद्ध चूलिए जल प्रपात जो है चंबल नदी पर कोटा में ही है। चूलिए जल प्रपात जो है, अगर आपसे पूछा जाए चूलिए जल प्रपात ये कहाँ पर है, तो ये जो है कोटा में है। किस नदी पर है अगर पूछा जाए, तो ये जो है आपका चंबल नदी पर है। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, तो जानापाव पर्वत से होता है, महू के निकट से। चंबल नदी जो है किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ये आपके लिए याद रखना है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कि तवा किसकी सहायक नदी है, ये आंसर आपके लिए कमेंट में बताना है। आज का चैलेंज प्रश्न है, आपका आंसर बनता है, आप कमेंट में बताएं क्या होगा सही आंसर। तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, ये चार विकल्प है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहां तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया टेलीग्राम ग्रुप की, तो यहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।